क्वेश्चन नंबर टू का हमारे पास पार्ट है सेवन। क्या वो कह रहे हैं एन एन माइनस वन और एन माइनस टू हमने किस फॉर्म में लिखना है? इसको फिक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब फिक्टोरियल फॉर्म में एन का हमारे पास क्या फार्मूला है? एन का हमारे पास फिक्टोरियल फॉर्म में फार्मूला है, एन का फिक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू थ्री टू वन, यानी कि ये सारा का सारा कहां तक पहुंचेगा? वन तक। अगर मैं इसको डिटेल से बताऊं यार आपको, एन का फिक्टोरियल इज इक्वल टू है एन एन माइनस वन, इधर है हमारे पास एन माइनस टू, इधर हमारे पास एन माइनस थ्री भी हम समटाइम यूज करेंगे, ये जाएगा हमारे पास थ्री टू वन तक, ठीक है। देखिए n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके है, n n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री से आगे भी हम लेके जाएंगे n माइनस फोर, अभी आ गया 7.2 में, इसके बाद जाएगा ये पॉजिटिव टर्म में 3 टू 1, ठीक है। अब देखें देन हम ये कह सकते हैं ये सारा फार्मूला किसके इक्वल है हमारे पास n के फैक्टोरियल के, ठीक है। अब देखें यहां पे हमारे पास n, दोबारा फिर मैं बता देता हूं, n हमारे पास किसके इक्वल है, n हमारे पास इक्वल है n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन गोज टू 3 टू 1, ठीक है। n हमारे पास किसके इक्वल है, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री गोज टू 3 टू 1। यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, यहां पे देखें n इज इक्वल टू है n माइनस वन एन माइनस टू, हमने जाना कहां पे, हमने इसको लिखना है यार फैक्टोरियल की फॉर्म में, अभी ये हमारे पास सिर्फ इनटू की फॉर्म है, हमने इस सारे फार्मूले को किस फॉर्म में लिखना है, इस फैक्टोरियल की फॉर्म में। अब देखें अब हमारे पास यहां पे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, अगर हम देखें एन भी हमारे पास ओके है, ठीक है, एन माइनस वन भी ओके है, एन माइनस टू भी ओके है। अब क्या चीज नहीं है आपके पास, यहां पे अगर हम लिख दें एन माइनस थ्री या एन माइनस फोर गोज टू थ्री टू वन, हम क्या करते हैं, जो चीज हम ऊपर लिखते हैं नोमिनेटर में वही चीज हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर में, मतलब के इसका कहने का एन इंटू एन माइनस वन वन वैल्यू, सेकंड एन माइनस टू, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में भी अवेलेबल था, लेकिन हमें इस सारे क्वेश्चन को लिखना है इस फैक्टोरियल की फॉर्म में। जब हमने अपनी तरफ से लिखा एन माइनस थ्री, ठीक है, अब इस एन माइनस थ्री का मतलब क्या है, एन माइनस थ्री के पीछे वैल्यूज अवेलेबल है, मौजूद है, कौन कौन सी, थ्री टू वन, ठीक है। यहां पे हमें पता है अब n माइनस थ्री के पीछे हमारे पास क्या है, थ्री टू वन, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं इस स्टेप को, x n माइनस थ्री को हमने यहीं पे स्टॉप किया। अब देखें अब हमने n माइनस थ्री को मल्टीप्लाई किया है ना इस सारी वैल्यू के साथ, अब हम इसी को अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस थ्री, हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब हमें यार इस चीज का पता है कि n माइनस थ्री जा रहा है थ्री टू वन तक, वो आपने यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। अब देखें अब इस सारे फार्मूले को मैं लिख सकता हूं n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस थ्री का फैक्टोरियल, यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन एंड हो जाएगा। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है हमारे पास, हम बना रहे हैं फैक्टोरियल की फॉर्म। अब फैक्टोरियल फॉर्म में एन क्या है यार, फैक्टोरियल फॉर्म में आपको मैंने बताया था एन हमारे पास क्या है, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री गोज टू वन, ठीक है। अब देखें अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, यहां पे है n, व्हाट इज n मीनिंग, n मीनिंग इज दैट के हमारे पास n के पीछे जो वैल्यूज क्या क्या है, n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री गोज टू थ्री टू वन, ठीक है। अब देखें यहां पे हमारे पास अगर हम इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास इसमें से कोई एक ऐसी वैल्यू अगर हम सिलेक्ट करते हैं जो कि जा रही है थ्री टू वन तक, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, इधर आ जाएगा फिर एन प्लस टू, इधर आ जाएगा फिर n प्लस वन, ठीक है। अगर हम इस तरफ मूव करते हैं राइट लेफ्ट तरफ मूव करते हैं n माइनस वन एन माइनस टू, इधर क्या आएगा फिर बताएं जरा, हाँ जी n माइनस एन प्लस थ्री, यहां पे n देखें, अब n के पीछे खुद क्या है, n के पीछे है यार n माइनस वन है, ठीक है। इसके पीछे सीक्वेंस अवेलेबल है हमारे पास n माइनस वन का n माइनस टू का n माइनस थ्री का n थ्री टू वन का, कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पे ये जा रहा है n माइनस टू n माइनस थ्री n गोज टू थ्री टू वन। अब देखें अगर हमने इस चीज को ऊपर मल्टीप्लाई किया है, हम इसी चीज को नीचे कर देते हैं डिवाइड, ठीक है, हमारे पास सीक्वेंस बन गया। अब हम इस सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, एन प्लस टू का फैक्टोरियल ओवर, इधर आ जाएगा हमारे पास एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसी के बाद हम करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, हमारे पास क्या है यार, नेक्स्ट है हमारे पास एन प्लस वन, इधर है हमारे पास एन और इधर हमारे पास है एन माइनस वन ओवर
3, 2, 1, ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब हम इसको, इससे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसको समझने पहले। इधर है हमारे पास n प्लस वन, इधर है हमारे पास n, इधर क्या है n माइनस वन है, ठीक है। अब जब हम इस तरफ मूव करेंगे फ्रॉम टू राइट टू द लेफ्ट एंड लेफ्ट टू द राइट, वैल्यूज हमारे पास क्या हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। तो हम क्या लिखेंगे इधर, n प्लस वन, n, n माइनस वन। अब आगे देखें, n हमारे पास क्या था, n है, n था हमारे पास n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। अब हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे छोटी वाली वैल्यू n माइनस टू के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी के साथ हम क्या कर देंगे, फिर डिवाइड भी कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस टू के साथ अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हम उसी के साथ क्या कर देंगे, फिर डिवाइड भी कर देंगे। जब हम इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल, और अगर हम 3, 2, 1 का फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल, और इधर हम लिख सकते हैं फिर n माइनस टू का फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट हो गया, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास 10 वाला पार्ट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो यकीन करें आपके पास 7.2 हो जाएगी और इधर से 7.4 हो जाएगी। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, अगर सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट मैं जो समझाना चाहूंगा अगर वो आपको समझ आ गया तो यकीन करें 7.2 आपकी, 7.4 भी आपकी। सबसे पहले देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हम कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन है एन n माइनस वन। बड़े ध्यान से, बड़े अटेंशन होके, बड़े कंसंट्रेशन के साथ अपने कान, आप लोगों ने जो मैं बोल रहा हूं उस पे रखने हैं, ठीक है। यहां पे n, n माइनस वन। अब देखें n माइनस वन के बाद कौन सी वैल्यूज होगी आपके पास, n माइनस टू की, ठीक है। अब देखें n माइनस टू के बाद अगर डोटी डाले तो इसका मतलब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू शुरू हो गई है। पॉजिटिव वैल्यू में क्या है, n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। अब देखें, अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमने इसको लिखना है फैक्टोरियल की फॉर्म में, ठीक है। यहां से तो हमारे पास फैक्टोरियल की फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, n, तो चलो मान लिया n आ जाएगा, लेकिन हम एक चीज ऐसी करते हैं, हमें इससे नेक्स्ट वाली वैल्यूज भी चाहिए होती है जिससे हम कह सकते हैं कि आगे हमारे पास सीक्वेंस ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यार यहां पर अगर होता 10 तो 10 को अगर हमने लिखना है, 10, 9, 8 को हमने लिखना है फैक्टोरियल की फॉर्म में, तो आप क्या कहते सर, आप कहते कि 10 है, 9 है, 8 है, तो हमने जो सीक्वेंस बनाना है वो हमारे पास 7, और 7 का फैक्टोरियल अगर होता तो हम इसको लिख सकते थे 10 का फैक्टोरियल ओवर 7 का फैक्टोरियल, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास मिसिंग है वही वैल्यू को हम फुलफिल करते, ऊपर भी लिखते और नीचे भी लिखते, तो हमारे पास वो जो आंसर आता वो हमारे पास फैक्टोरियल की फॉर्म में आ जाता। लेकिन अब इधर क्या है, अब हमें क्या पता यार इससे जो अगली वैल्यू वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अब देखें, ये वाले क्वेश्चन को पकड़े, आपके पास हमने इससे अगली वाली वैल्यू ढूंढनी है या फिर इससे पिछली वाली वैल्यू ढूंढनी है, या फिर ये फॉर एग्जाम्पल 8 है, अब पता नहीं 8 है, 8 से गोज टू उसने 7 जाना है, 6 जाना है, 5 जाना है, अल्लाह जाने वो 9 है, उसने 8 की तरफ जाना है, उसने 7 की तरफ जाना है, उसमें वो 10 है, उसने 9 की तरफ जाना है, उसने 8 की तरफ जाना है। हाँ, हमें ये चीज कंफर्म है कि ये चीज हमारे पास बड़ी है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, ठीक होगी बात। यानी कि देखे ना, n माइनस वन आ रहा है, n माइनस टू आ रहा है, और ये चीज अगर पॉजिटिव में है तो फिर ये चीज बड़ी होगी, और इससे जो बाद में आने वाली चीज होगी वो हमारे पास भी निकी है, वो छोटी है। देखिए n माइनस आर प्लस वन, ये हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम आ गया, क्या बोला, n माइनस आर प्लस वन। अब देखे यहां पर अगर आप कंसिडर करें कि आप ध्यान से, बड़े ध्यान से, यहां पर है n माइनस आर प्लस वन, यार अब मुझे क्या बताओ कि यार इससे अगली वाली वैल्यू क्या होगी। अब डिस्टर्ब आपको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब आपको कर रहा है प्लस वन, ऐसे ही है ना, आपको क्या डिस्टर्ब कर रहा है, ये प्लस वन, ठीक है। अब देखें अगर आपके पास होता सिर्फ n माइनस आर, ठीक है, n माइनस आर, मैं कहता हूं यार इसको अज्यूम कर लें कुछ लम्हे के लिए, ये हमारे पास है 10, आपने क्या ज्यूम किया है, n माइनस आर एक लम्हे के लिए ये है हमारे पास 10, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको मैं कह रहा हूं ये है तुम्हारे पास 10, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं n माइनस
इज 10, इधर भी मैं कैसे ही कह रहा हूं n माइनस इज 10, ठीक है। जब मैं n माइनस r को 10 कह रहा हूं यहां पे, फिर तो मेरा कहना यहां भी ठीक होगा कि n माइनस इज आर 10, ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आई। ये हो गया हमारे पास 10। अब देखें 10 प्लस 1 इज 11, ठीक है। अगर ये मैं कह रहा हूं ये n माइनस r प्लस 1 इज 11, तो 11 की जो रिड्यूसिंग वैल्यूज है वो क्या है, 11 की जो रिड्यूसिंग वैल्यू है वो है 10 है, वो है 9 है, वो है 8 है, वो है 7 है। हमें सिर्फ फिलहाल एक वैल्यू चाहिए, अगर ये 11 है, फॉर एग्जाम्पल ये सारी की सारी वैल्यू भी मैंने बताया n माइनस r इज 10 फॉर एग्जाम्पल, तो जब मैंने यहां पे 10 पुट किया, 10 प्लस 1 इज 11, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं ये 11 है, तो 11 को जब आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, तो 11 को फिर आपने रिड्यूस नहीं करना, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, यानी कि उसकी रिड्यूसिंग फॉर्म कहां से शुरू हो रही है, फिर 10 से। अगर ये 11 है तो इसकी रिड्यूसिंग फॉर्म भी है 10, ठीक है। अगर हमारे पास ये 11 है तो फिर इसकी रिड्यूसिंग फॉर्म कौन सी है, इसके पीछे वाली वैल्यूज देखें, फिर ये 10 है, ठीक है। अगर मैं कह सकता हूं n माइनस r इज 10, इधर आ जाएगा हमारे पास 11, 10, 8, 7, ठीक है। हमें सिर्फ फिलहाल एक वैल्यू चाहिए जिसको साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमारे पास सीक्वेंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा ओवर। अब देखें अगर ये 11 है तो फिर ये क्या है 10, तो फिर इसके बाद क्या आएगा 9। अब ये हमारे पास n माइनस r को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हम फिर इसके साथ डिवाइड भी कर देते हैं, और जब हम इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे n का फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा हमारे पास n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हमारे पास बेसिकली आंसर आएगा। यार इस स्टेप को फिर समझा देता हूं मैं आपको, अगर आपको समझ नहीं आया तो देखें, आपके पास क्वेश्चन था n माइनस r प्लस 1, ये आपके पास एक फैक्टोरियल की फॉर्म अवेलेबल थी, आपने इस चीज को उठाया, इसको आपने माना दिस इज 10। अगर ये 10 है तो जब हमने यहां पे 10 पुट किया, 10 प्लस 1 इज 11, और 11 के पीछे वाली 10 क्या है 10, और 10 खुद क्या है n माइनस r, और इसी को हमने ऐड किया और इसी को हमने फिर डिवाइड भी कर दिया, और हमारे पास ये फैक्टोरियल की फॉर्म आ गई n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें, बैक करके देखें, कि जहां जहां नहीं समझ आई, ये स्टेप हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूज होगा 7.2 में 7.4 में। अगर इसके अलावा अगर आपको मेरी बहुत ज्यादा वीडियो चाहिए, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक के बटन पर भी क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो मेरी वेबसाइट मैथ की दुनिया को लाजमी विजिट कीजिएगा।